हेलो बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स। जो भी सीबीएसई में पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या पिछले इयर्स में आ चुके हैं, सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के सारे चीज का प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिलेगा। वो पोटेंशियोमीटर हो या वी टेस्ट ऑन ब्रिज हो या कोई ग्राफिकल प्रॉब्लम हो, किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड हो या किसी भी सेक्शन से रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। इससे आपको बहुत कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको आइडिया लगेगा और बोर्ड के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों, ठीक है? तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर वन, हमारे पास वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ गिवन है। इसमें दो टेम्परेचर है T1 T2। पूछा गया विच ऑफ द टू टेम्परेचर हायर एंड वाई। टेम्परेचर T1 के लिए ग्राफ इसको बनाया गया है और ये टेम्परेचर T2 के लिए बनाया गया है फॉर V एंड I। तो बच्चों हमारे को पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR लिखते हैं। तो ये वहां पर Y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ X एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Y इज इक्वल टू MX का जो इक्वेशन हमारे को मिला, इसमें स्लोप है हमारे पास रेजिस्टेंस। अगर मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूं दोनों का तो रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा या कम, ये टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस भी कम। बच्चे यहां ध्यान से देखना, ये कुछ एंगल बना रहा है θ1, ये कुछ एंगल बना रहा है θ2। तो यहां पर क्या है, θ1 ग्रेटर देन θ2, यानी कि स्लोप जो आएगा T1 के लिए स्लोप ग्रेटर होगा। दैट मीन्स स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, मतलब R1 फॉर दिस इज ग्रेटर देन R2 फॉर दिस। अगर यहां का रेजिस्टेंस R1 है, वी कैन राइट लाइक दिस, एंड रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड, सो T1 इज ग्रेटर देन T2। ये यहां पर लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है R और V का ग्राफ है। विच ऑफ द टू A और B हैज हायर रेजिस्टिविटी। तो यहां पर क्या है कि दोनों सेम मटेरियल के नहीं बने, यहां गिवन है क्वेश्चन में मटेरियल डिफरेंट, बट दिस टू A एंड B आर आइडेंटिकल इन अदरवाइज शेप्स और साइज। तो बच्चों I और V का जो हमारे पास ग्राफ है इसका स्लोप क्या देगा मुझे, I और V का ग्राफ होगा उसका जो स्लोप निकालेंगे वो मुझे देगा रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर मैं रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात करूं तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी रेजिस्टिविटी भी कम। तो रेजिस्टेंस आर ए आर नाम दे दो, आर बी नाम दे दो, यहां पे क्या होगा आर बी विल बी ग्रेटर देन आर ए, ठीक है? क्योंकि आर ए बी का ग्राफ है, बी और आई का नहीं है। सो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा, ठीक है? अच्छी बात है। स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला वायर होगा, वायर ऐसा कुछ हो सकता है, कहीं मोटा है कहीं पतला है। स्टेडी करंट, करंट जो इसमें जाएगा वह कांस्टेंट है, स्टेडी है, और कुछ लेंथ होगी इसकी, बस ये है कि नॉन यूनिफॉर्म है, करंट कांस्टेंट है, कुछ लेंथ वगैरह होंगे करंट। तो बोला गया करंट क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी को पहचानना है। तो ये खुद ही कह रहा है ना स्टेडी करंट, स्टेडी करंट इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, तो ये हो गया। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, जे से डिनोट करते हैं, आई अपॉन एरिया। एरिया तो फिक्स है नहीं, ये खुद कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या मतलब हुआ एरिया यहां फिक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। करंट डेंसिटी कैनॉट बी ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू V बाई L, ठीक है? तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस अगर कॉन्स्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट होगा। पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं कॉन्स्टेंट ही होगा, बैटरी लगा देंगे तो कॉन्स्टेंट ही होगा वो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है।
यानी कि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हम लोग ने डिराइव किया हुआ है बच्चों। तो यहां पर एरिया कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऑफकोर्स जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वी डी, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। तो ये भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उन सबों का रिलेशन किसी न किसी फॉर्मूले से ही होता है। तो अगर आपको फॉर्मूले ध्यान में है तो किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो बच्चों, ठीक है। अब बने रहो, पूरा का पूरा देखो, आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आपको सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने वाले हैं। मेक ए नोट। हाँ बच्चों, तीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए जो बिल्कुल फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, गिव रीजन। लो वोल्टेज सप्लाई है और मतलब बैटरी की बात हुई, बैटरी से सप्लाई है, उसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हर एक बैटरी के पास होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ बैटरी का कुछ वोल्टेज को खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है। तो उसके बाद जो वोल्टेज बचता है वही वोल्टेज एक्सटर्नल वाले जो रेजिस्टेंस है, जो डिवाइस है, उसको मिलता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना कम वोल्टेज कंज्यूम होगा इंटरनली, और एक्सटर्नल को फिर ज्यादा वोल्टेज मिल पाएगा। सीधी सी बात है, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये अगर बड़ा होगा तो वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, यानी कि जो डिवाइस लगा हुआ है बैटरी के साथ उसको कम वोल्टेज मिलेगा। और अगर ये रेजिस्टेंस छोटा हो गया सो दिस ईएमएफ दिस वोल्टेज बिकम्स बिगर, यानी कि जो एक्सटर्नल डिवाइस है दैट विल गेट मोर वोल्टेज, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इफ आर इज स्मॉलर देन वी विल बी ग्रेटर, हेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल गेट हाई वोल्टेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल गेट हाई वोल्टेज, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट, टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड आई ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल्स आर जॉइंड इन सीरीज। टू कंडक्टिंग वायर्स है एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर, यानी कि एरिया तो हो गया कॉन्स्टेंट, बट डिफरेंट मटेरियल्स यानी कि रो इज नॉट कॉन्स्टेंट, आर जॉइंड इन सीरीज। सीरीज में क्या होगा, आई कॉन्स्टेंट, सी लिख दिया मैंने, मतलब कॉन्स्टेंट। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस, मतलब nx है ट्वाइस ऑफ ny। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स। तो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला किया हुआ है ना, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एंड वी डी वी कैन से आई अपॉन एन ई ए, और वी कैन से जो वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं वी एक्स अपॉन वी वाई इज इक्वल टू एन वाई अपॉन एन एक्स, और एन एक्स मेरे पास क्या है, टू एन वाई है, एन एक्स है टू एन वाई, तो ये वन हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर एक्स अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर वाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है, अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्टेड व्हेन वी इज डबल एंड एल इज हाफ। तो इस केस में बच्चों हमारे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वोल्टेज और लेंथ ऑफ द वायर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं अभी रिलेशनशिप भी डिराइव कर लेता हूं आपके सामने, इसे हटा देते हैं। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लिखते हैं हम लोग, ई इंटू ई लिखते हैं, स्मॉल ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्स को मैं लिख सकता हूं क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, ई ई बाई एम आएगा, ये लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू ई बाय एम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, वी बाय एल, या तो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है डिराइव,
यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो गया V बाय L। यहां पे बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस V इज डबल एंड L इज हाफ, तो V को डबल कर दो 2V कर दो और L को हाफ कर दो तो ये 4 बन के ऊपर चला जाएगा 4V बाय L। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स नाउ, ठीक है बच्चों, 2V और L बाय 2 है तो ये 4V बाय L हो गया। सो हम लोग यहां लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 4 टाइम्स नाउ। प्लीज मेक अ नोट बच्चा लोग। हाँ बच्चों, ये दो क्वेश्चन हमारे को दिए हैं, हमारे पास बोला गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें दो रेजिस्टेंस भी गिवन है, एक बैटरी गिवन है और 1 एम्पीयर का करंट इसमें जा रहा है। तो हम लोगों ने किरचॉफ लॉ तो सीखा हुआ है, उससे हम लोग यूज करके किसी भी दो पॉइंट के लिए वी कैन फाइंड द वोल्टेज पोटेंशियल। अब आप बोलोगे किरचॉफ लॉ तो किसी क्लोज सर्किट के लिए है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द सर्किट, दिस इज नॉट क्लोज सर्किट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे एक इमेजिनरी वायर से जोड़ देते हैं खुद से और एक लूप बना दिया हम लोगों ने। तो अब ए से बी के लिए पोटेंशियल लिख सकते हैं, राइट। तो फंडा क्या है, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। तो ए से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस आई इंटू आर माइनस थ्री माइनस आई इंटू टू माइनस वी बी। मतलब हमने ये माना ये हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है, तो पॉजिटिव वी ए से स्टार्ट किया और अलोंग द करेंट हम लोगों ने किच ऑफ सोर्स किया हुआ है कि जब भी मूव करेंगे अलोंग द करेंट क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर। और ऐसे जा रहे हैं तो छोटे साइड के बैटरी से स्मॉल साइड से बाहर निकलेंगे, दैट इज नेगेटिव वन, तो माइनस थ्री लिख लेंगे, फिर माइनस आई इंटू आर, फिर माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि क्लोज लूप वापस हम लोग वहीं पे आ गए। सो आई कैन राइट वी ए माइनस वी बी, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, दिस इज 9 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज कमिंग आउट टू बी 9 वोल्ट। इसके बाद एक ग्राफिकल क्वेश्चन है हमारे पास, पोटेंशियल है और करंट है। द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स इन सीरीज। यहां 3 सेल्स है जो सीरीज में लगे हुए हैं, 12 रेजिस्टर वर्सेस करंट आई, फाइंड द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। हमारे को बोला गया फाइंड द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम। तो बच्चों ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू ए माइनस आई एल, हम लोगों ने पहले किया हुआ है थ्योरी पोर्शन में। यानी कि स्लैब का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा से ग्राफ को देख करके मैं ईएमएफ बता सकता हूं। मैंने बताया था आपको लाइन जहां भी मीट करता है एक्स वाई एक्सिस में, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। तो आपको देख के पता लग जाएगा कि ईएमएफ मेरे पास है 6 वोल्ट। यहां पर 3 सेल्स की बात हो रही है, टोटल वोल्टेज 6 है, तो एक ईएमएफ सिंगल बैटरी का जो ईएमएफ आएगा वो 2 वोल्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 कर दिया, दिस इज 2 वोल्ट। फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट बी मैक्सिमम। यहां पावर डिसिपेशन मैक्सिमम की बात हो रही है, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वी इंटू आई। वी क्या लिखूंगा मैं, ई माइनस आई आर, ये हो जाएगा ई आई आर माइनस आई स्क्वायर आर। तो यहां पर मैं लिखूंगा डीपी बाई डी आई इज इक्वल टू ई आर माइनस टू आई आर, दिस इज डीपी बाई डी आई। देखो आप बोलोगे आप डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हो, बच्चों हम लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ाया ना मैक्सिमम मिनिमम का जो चैप्टर है, उसमें क्या होता है जब भी मैक्सिमम की वैल्यू की बात हो या मिनिमम फंक्शन की बात हो, वी डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड पुट इट जीरो। वही काम यहां भी करना है, फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर डिसिपेशन ऑफ सर्किट बी मैक्सिमम। यहां भी मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया ना ये भी। तो हम लोगों ने क्या किया, पावर का पहले एक्सप्रेशन लिखा, तो करंट यहां फाइंड करने को बोल रहा है, करंट यहां पे वेरिएबल है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आई एंड आई विल पुट इट जीरो, जो हम लोग मैथ्स में करते थे बिल्कुल वही है, कुछ भी नया नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल गया ई आर इज इक्वल टू टू आई आर, आर आर तो गया, सो करंट इज इक्वल टू
सॉरी आर यहां नहीं है, वी इंटू आई ये मिला मुझे, तो यहां पे आर नहीं आएगा, यहां आर आएगा, सो ई बाई टू आई आर, आई इज ई बाई टू आर, दिस इज द करंट, ठीक है। तो लिख सकते हैं फॉर दिस करंट पावर विल बी मैक्सिमम, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक अट, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और आपकी बुक में भी है, तो ये सब क्वेश्चंस करने हमारे को बिल्कुल आसानी से आनी चाहिए, प्लीज मेक अ नोट एंड बने रहे। हेलो बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ये क्वेश्चन, हमारे पास ये पोटेंशियल मीटर का डायग्राम है और इसके साथ एक ईएमएफ ईवन लगा हुआ है। बोला गया ए बी इज एन यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी गिवन है 15 ओम और इसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट। द बैलेंस पॉइंट फॉर ई वन इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, एंड ए से ही मेजर होता है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ये जो बैलेंस पॉइंट है ई वन के लिए वो गिवन है 30 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज गिवन 30 सेंटीमीटर, ये वाला बोला गया है फाइंड आर। तो बच्चों ध्यान में आपको ये रखना है कि ये जो पोटेंशियोमीटर का पोर्शन है, ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल, और ये हमारे पास जो सेल है इसकी वोल्टेज हमेशा इस वाले सेल से ज्यादा होगी, ऑलवेज, अगर यहां की वोल्टेज कम है यहां का ज्यादा है, दैट मीन्स दिस पोटेंशियोमीटर नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, ठीक है। तो करना क्या है, पहले बैलेंस पॉइंट के लिए काम करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ई वन इज इक्वल टू के इंटू लेंथ, और लेंथ गिवन है मेरे पास 0.3 मीटर, दिस इज अ लेंथ गिवन। अब बोलोगे सर ये के क्या है, के होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए बी, दैट मीन्स वी ए बी अपॉन लेंथ ए बी, और वी ए बी क्या होगा, ए बी के लिए जो वोल्टेज है उसकी बात हो रही है, वो होगा करंट इंटू आर ए बी, लेंथ ए बी गिवन है 1 मीटर, तो जो करंट यहां से आएगा वही करंट यहां यहां घूमता रहेगा, ठीक है। तो आई मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, आई सिर्फ इस सर्किट के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है, माइंड इट बच्चों, ध्यान से, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, आई के लिए यहां का ईएमएफ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है, जब करंट यहां पे आई जाएगा फिर तो बैलेंस पॉइंट जाएगा नहीं, गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बैलेंस पॉइंट का मतलब है गलवानोमीटर की रीडिंग 0 होगी, बैलेंस होगा गलवानोमीटर, ना इधर ना उधर, 0 रीडिंग। आई का मतलब हो गया ई अपॉन आर प्लस आर ए बी, और आर ए बी गिवन है 15, ठीक है, तो सिंपल ओम्स लॉ ही तो है, ई गिवन है 2 इंटू 15, आर पता नहीं, आर ए बी है 15, तो ये के का पूरा चीज मैं उठा के यहां डाल दूंगा, ईवन गिवन है 75 मिली वोल्ट, तो मैं लिखूंगा 75 इंटू 10 टू द पावर -3, के हो गया 30 अपॉन आर प्लस 15, एंड दिस इज योर 3/10, 0.3 है, 3/10, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 75 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आर प्लस 15 इज इक्वल टू 9, तो आर प्लस 15 मुझे मिल जाएगा 9000 अपॉन 75, दैट मीन्स 25 को 3 से कर दिया और 3000 को 3 से कर दिया, सो आर इज कमिंग आउट टू बी 3000 अपॉन 25 माइनस ऑफ 15, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे देखो 3000 बाय 25 हमें डिवाइड तो करने है, ये हो जाएगा 120, माइनस 15 कर दो तो हो गया 105 ओम, है ना बच्चों आसान। तो सारे स्टेप्स आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं पोटेंशियोमीटर के केस में, माइंड इट, मेक ए नोट। हेलो बच्चों, आज एक और क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक क्या बहुत सारे करने वाले हैं, तो सबके सब सारे क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर एक में कुछ ना कुछ नयापन आपको लगेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, उसको पकड़ना है, उसे समझना है, ताकि उस तरह की चीजें जो कभी भी आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, तो आपको सॉल्व होना चाहिए, आपसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या होता है बच्चों, पहले तो जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन जो पहले के वीडियो बने हुए वहां आप जाकर देख सकते हो सारी चीजें,
उसके बाद इसमें हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं पूरे क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं। तो इसमें साइड टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जो पोटेंशियोमीटर के होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के होंगे, ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम होंगे जिनको सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, सर्किट बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द वे टू स्टडी। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट ईच जॉइंड इन पैरेलल। तो हमें फटाफट सर्किट ड्रॉ कर लेनी चाहिए। दो बैटरी हैं, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, आर वन ई वन आर टू ई टू। अब बोल रहा है कि टू एन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ टू रेजिस्टेंसेस 7 ओम ईच। दो रेजिस्टेंस है यहां पे, सेवन ओम ईच। अब यहां पे बोल रहा है कि अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल्स टू बी 1.4 वोल्ट। वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, ये तो कि काफी अच्छे से मेंशन कर रहा है, वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा होगा करंट ये नहीं देगा। जहां भी जिस रूट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो उस रूट में करंट नहीं जाता है, यानी कि जो करंट यहां से आएगा वो इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा कुछ भी। तो करंट आइडेंटिकल है तो दोनों का नाम सेम कर दो, दोनों के रेजिस्टेंस भी सेम कर देते हैं। तो जो भी करंट ये दे गए, आइडेंटिकल बैटरी है तो आइडेंटिकल आई देंगे, आई ये भी देगा, आई ये भी देगा, फिर यहां 2i जाएगा यहां से। और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो करंट भी दोनों में आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सिस्टम आइडेंटिकल हो तो काफी आसान होता है बच्चों, पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाता है। इसमें आई वन आई टू वेरिएबल्स ज्यादा नहीं लेने पड़ेंगे, आइडेंटिकल है तो उसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। तो यहां बोला गया है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 1.4 वोल्ट है, यानी कि यहां से यहां के बीच की जो वोल्टेज है वो 1.4 वोल्ट है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो हम लोगों ने किया हुआ है, वी इक्वल टू वी माइनस आई आर। तो इस वी की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.4। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जितना टर्मिनल के पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलेगा। ठीक है, तो 1.4 वोल्ट की रीडिंग है तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो मुझे मालूम पड़ गया कि 7 ओम के पास 1.4 वोल्ट वोल्टेज बनेगा 7 ओम के पास। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं करंट फाइंड कर सकता हूं यहां से। सो आई कैन राइट वी इज इक्वल टू आई इंटू 7, वी है 1.4, आई इंटू 7 तो हो गया 0.2 एम्पीयर। दिस इज द करंट 0.2 एम्पीयर जो बैटरी से निकलेगा। हमें बोला गया फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारे पास तो फॉर्मूला है इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करता है। दिस इज 1.4, दिस इज 1.5 माइनस 0.2 इंटू आर। सो हमारे को मिल गया 0.5 ओम। ठीक है बच्चों, तो जहां भी मेंशन हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो यह फॉर्मूला सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी सर्किट को देख करके आप खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है। इसमें बहुत कुछ ऐसा रटने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी चीज। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करते हो, पैरेलल सीरीज कुछ भी मिलता है उसको ड्रॉ करते हो, और ड्रॉ करने से फिर हमें पिक्चर क्लियर होता है कि हाँ हमें आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे बिना ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उनको दिक्कतें होती हैं, हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन से सर्किट में क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। हमारे सारे टाइप्स कवर हो रहे हैं इस वाले वीडियो में, तो आप लोग इसको मिस नहीं करना है बच्चों। और अभी स्कूल का प्रेशर अभी ज्यादा नहीं है तो बड़े आराम से आप पढ़ सकते हो, घर में आप बैठ के आप वीडियो देख के आराम से सीख सकते हो कि कौन सा प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, कौन सी चीजें को कैसे डील करना है। अगर आपको ये सब चीजें सीखने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे तुरंत कॉन्टैक्ट करो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका भी समाधान होगा मेरे पास, मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको पढ़ना है,
इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको कुछ पढ़ने का, कुछ सीखने का, क्योंकि प्रेशर नहीं है अभी के टाइम, भागा भागी भी नहीं, स्कूल भी नहीं भागना है, मार्केट नहीं भागना है, मॉल नहीं जाना है, सिनेमा हॉल नहीं जाना है, ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे दो। ये जो साल है, ये जो पूरा पैंडेमिक का जो टाइम निकल रहा है, ये इसको आप यूटिलाइज में लाओ, तो इससे बेस्ट टाइम हो नहीं सकता स्टडी करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो कोई भी आपको कष्ट होता है पढ़ाई में, कोई भी आपको दिक्कत होती है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी होता है, वेबसाइट होता है, ईमेल होता है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या मिलता है। एक बात और, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे, सो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों से कि बच्चा लोग जी लगा के पढ़ो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, ठीक है। मैं हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा, मेरे वीडियोज आते रहेंगे, और आपके मन में कोई टॉपिक की डिमांड है कि हाँ पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप डिमांड बता सकते हो मुझे, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। यूज किर्चॉफ्स रूल टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। ये डी पॉइंट था जो मैं लिखा, मिस हो गया। व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म बीई ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क। हमारे पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क में जो बीई है, इसमें क्या है, कोई करंट ही नहीं है। आप पूरा डायग्राम देख सकते हो, बीई वाले नेटवर्क में कोई भी करंट नहीं है। और बोला गया यूजिंग किर्चॉफ्स रूल टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी, ठीक है बच्चों। तो ए एंड डी के लिए मुझे काम करना है। तो कैसे होगा, हमारे को इस सर्किट में अगर आप देखो तो आई हमारे को गिवन है, ये आई ऐसे गया है, ये करंट है आई, तो करंट तो बच्चों ऐसे ही जाएगा, इसमें करंट नहीं है, तो सीधा पास ऑन हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे फ्लो करता रहेगा। ये गिवन क्वांटिटी है करंट, मतलब आई है, गिवन तो नहीं है वैल्यू उसकी, पर डायरेक्शन गिवन है, आर वन और आर की वैल्यू गिवन नहीं है। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में, तो देखते हैं कैसे करें हम लोगों को। बच्चों ध्यान ये देना है कि ए से बी के लिए आपको फाइंड करनी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप ए से एफ ई डी ऐसे जा सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं किर्चॉफ्स रूल लगाऊंगा तो मेरे को आई नहीं पता है, ठीक है, और अगर मैं ऐसे जाता हूं तो इधर भी आई और आर मिलेगा, दो अननोन हो गए, फिर भी मुझे दिक्कत होगी सॉल्व करने में। अभी मैं ऐसे जा सकता हूं, ठीक है, इस रास्ते में फायदे हैं, क्या फायदा है कि करंट तो है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन आई इंटू आर, तो जीरो इंटू आर वन लिखना पड़ेगा मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, बाकी इधर करंट नहीं भी रहेगा तो क्यों, तो मेरे को जरूरत नहीं है करंट की इधर, क्योंकि यहां बैटरी है। तो मैं ये रास्ता चुन रहा हूं ए से बी तक जाने का। तो किर्चॉफ्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, वोल्टेज एट ए आगे गया तो माइनस ऑफ 6 वोल्ट, और आगे गया माइनस ऑफ 3 वोल्ट, और आगे गया जीरो करंट है, यहां पे करंट है ही नहीं, तो जीरो इंटू आर में लिखूंगा मैं। फिर आगे गया बी पे पहुंच गया माइनस बी डी, मैंने इसको हाई वोल्टेज साइड ले लिया है, इसे लो वोल्टेज साइड ले लिया है, ये अगर मैंने प्लस लिया है तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा। आप इसका उल्टा कर सकते हो, अगर आप इसको हाई वोल्टेज पे ले रहे हो तो ये पॉजिटिव वी डी ले लो, और ऐसे ऐसे आते हुए आप माइनस वी ए लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जर्नी हमारा कवर अप हो गया है, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, वी ए माइनस ऑफ वी डी, ये हो गया माइनस 9, उधर जाएगा तो पॉजिटिव 9 वोल्ट आ गया ना, वी ए माइनस वी डी पॉजिटिव 9 वोल्ट, ठीक है बच्चों। और आपको समझ में आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, तो ये मुझे पता लग गया किस किस ने मेरे वीडियो को देखा है, किस किस ने स्टडी की है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो कर लिया है, आप डाउट पूछो मैं हो गया सारा देख लिया है, ठीक है, लेकिन जब तक कमेंट लाइक नहीं करोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा किसने देखा किसने नहीं देखा। एनीवेज ये हमारा वोल्टेज आ गया ए और डी के बीच में 9 वोल्ट, इसको नोट कर लो बच्चों। हेलो
हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि पोटेंशियोमीटर में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही जूझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक्स का ज्ञान नहीं है, बेसिक्स वो पढ़ते नहीं है। बेसिक्स में कितनी बार बोल चुका हूँ बच्चों कि बेसिक्स तो अच्छा होना चाहिए। हम लोगों ने बेसिक्स में क्या पढ़ा था पोटेंशियोमीटर में, कि पोटेंशियल जो होगा, जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर होगा। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और हम लोग क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू के एल, यानी कि V बाय एल इज इक्वल टू के। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, तो बेसिस को तो भूलना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई करने में बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं या कोई ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहला हमें समझना है पोटेंशियोमीटर में होता क्या है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक बैटरी होगा, इसके साथ एक रेजिस्टेंस होगा, एक पोटेंशियोमीटर वायर होगा। पोटेंशियोमीटर वायर का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसकी कुछ लेंथ होती है। ठीक है, अब इसके साथ हमने एक बैटरी लगाया हुआ है, इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस है, गलवानोमीटर है, और ये जॉकी है, ये घूमता रहता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि करंट जब ये देगा तो करंट ये वाला इसमें रहेगा। अगर हम बैलेंस पॉइंट की बात करें तो बैलेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ, इस जॉकी को हमें ऐसे जगह सेट करना है जहां पर यहां गलवानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो। जहां पर मुझे जीरो मिल गया वहां मैं रुक जाऊंगा। इसका मतलब इधर का जो करंट है वो इधर नहीं आ रहा है। करंट अगर इधर आ गया तब तो गलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि फिर वो बैलेंस तो रहा नहीं। इसका मतलब इधर का करंट इधर नहीं आएगा, इधर का करंट ऊपर ऊपर ही चलता रहेगा पोटेंशियोमीटर में। इसको बोलते हैं बैलेंस पोटेंशियोमीटर। ठीक है, हमारे को यहां बोला गया है इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन द नल पॉइंट इज एट एक्स। नल पॉइंट मतलब हमने जॉकी को यहां रख दिया, ये नल पॉइंट है, इसकी कुछ लेंथ होगी। इस लेंथ के लिए हम बोलेंगे ये वाला नीचे वाला ईएमएफ ई बैलेंस है, यानी कि मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू के एल। अगर V होगा तो V इज इक्वल टू के एल। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये जो बैलेंस होता है वो इसके लिए होता है, इस बैटरी के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है बच्चों। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ खोजने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो पोटेंशियोमीटर के अलावा जो बैटरी है इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अच्छी बात है। अब यहां बोला गया है द नल पॉइंट इज एट एक्स, स्टेट विद रीजन वेयर द बैलेंस पॉइंट विल बी शिफ्टेड व्हेन रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स अनचेंज्ड। हमने रेजिस्टेंस आर को बढ़ा दिया, जब यहां से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, करंट जो यहां से निकलने वाला है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है ना, करंट की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की आई की वैल्यू एबी में कम हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू यहां कम हो गई तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। के को लिख सकते हैं वी ए बी अपॉन लेंथ एबी, और वी ए बी क्या होता है, आई इंटू आर ए बी अपॉन लेंथ एबी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, करंट कम हो गया। करंट कम हो जाने से ये पूरा का पूरा जो के है वो ये के कम हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं के को, ये कम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फंडा है, के एल एन आर इनवर्सली रिलेटेड, के इनवर्सली रिलेटेड टू एल। अगर मेरे पास के की वैल्यू कम हो गई तो लेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी, और लेंथ क्या है, यहां से मेजर करते हैं लेंथ, यहां जीरो होता है, वन टू थ्री या रीडिंग यहां से स्टार्ट होती है, तो लेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। मींस इस जॉकी को मुझे यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट मींस पॉइंट एक्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ठीक है बच्चों, दूसरी बात है रेजिस्टेंस एस इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस एस को बढ़ाएंगे कीपिंग आर कांस्टेंट। अब यहां देखो करंट इधर आना नहीं है, जीरो करंट है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, जीरो इंटू रेजिस्टेंस जीरो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल जीरो है। जब वोल्टेज जीरो हो तो लेंथ भी जीरो, लेंथ को भी फर्क ही नहीं पड़ता। सो यहां पर अगर कोई रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट। इसको कोई मतलब नहीं है, या रेजिस्टेंस हो
ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर तो करंट आना नहीं है, करंट नहीं आएगा तो पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल नहीं होगा तो यहां पर लेंस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है बच्चों, क्योंकि करंट तो यहां आना नहीं है। गॉट क्लियर? सो इफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस एस हैज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट, सीबीएसई 2015 में आ चुका है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है सर्किट से रिलेटेड, और इस सर्किट में हमारे को दो बैटरी गिवन है, यहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, दो बैटरी हैं, तो इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, करंट कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें देखना है। तो जब भी हम लोग करंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, क्या हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इसका पूरे सर्किट का, या फिर टोटल वोल्टेज हम लोग क्या फाइंड कर पाएंगे, दो बैटरी के क्या एक बैटरी से काम चलेगा हमारा। तो बैटरी के बारे में मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि अगर कोई भी बैटरी अगर ऐसा कनेक्टेड हो, इसको बोलते हैं अपोजिट बैटरी है ये, और अगर कोई ऐसा बैटरी कनेक्टेड हो, ये बैटरी सेम वे में ज्वाइन है, प्लस माइनस बिल्कुल सेम वे में, यहां प्लस माइनस माइनस प्लस है, इसको बोलते हैं अपोजिट बैटरी। तो इस तरह के सिस्टम में हम लिखते हैं E1 माइनस E2, और यहां लिखेंगे E1 प्लस E2, दोनों के इवन इस केस में ऐड कर सकते हैं, और इस केस में डिफरेंस लेना होता है। यहां भी अपोजिट है, माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको भी अपोजिट बैटरी बोलेंगे। तो इस पूरे बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो 8-4 होगी, दैट मीन 4 वोल्ट होगी। तो हम लोग यहां लगाएंगे 4 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट। दूसरी बात, अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सर्किट को देख के, कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो 3 और 6 हमारे पास क्या है, पैरेलल में है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 1/3 + 1/6 कैलकुलेट करेंगे, तो पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन है वो निकल के आएगा 2 ओम। तो इस पूरे की जगह में लगाऊंगा 2 ओम, बाकी सबको आप एज इट इज दिखा दो, 0.5 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 4.5 ओम एंड दिस इज 2 ओम, 4 वोल्ट की बैटरी। बाकी अब हमारे पास एक ही सर्किट तो बचा, यहां कोई ब्रांचिंग भी नहीं है, जैसे एक अलग सा ब्रांच खुला हुआ था, यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी सिंपल सर्किट मिले, एक ही लाइन में सर्किट मिले, दैट मीन्स दे ऑल आर इन सीरीज। तो 4.5 ये 5 हो गया, 5 + 2 = 7 हो गया, और ये 8 हो गया, तो मेरे को मिल गया 8 ओम, दिस इज 8 ओम, दिस इज 4 वोल्ट। तो यहां से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 4 = I × R, 4 वोल्ट है, और जो I R है वो 8 है, so I मिल गया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर बैटरी से निकलेगा, ये 0.5 एम्पियर यहां से निकल गया है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो ब्रांच में, ये हो जाएगा, तो ये 0.5 एम्पियर हमारा जो करंट आया वो दो ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इधर मान लो गया होगा आई, तो 0.5 में से आई मैंने इधर भेज दिया, इधर कितना जाएगा, 0.5 - I, ठीक है, दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो क्या होगा, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 × I, इसमें वोल्टेज इज इक्वल टू 6 × 0.5 - I, ठीक है, दिस इज 2, सो I इज इक्वल टू 2 × 0.5 - I, दिस वन। तो यहां से मुझे मिल जाएगा I इज इक्वल टू 1 - 2I, सो 3I इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर, ठीक है। तो 1/3 एम्पियर इसमें गया, 0.5 - 1/3 इसमें जाएगा, हो गया ना, सब में करंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो इस तरह के सर्किट में बच्चा को घबराना नहीं है, इसका आइडिया होना जरूरी है, ये बहुत हेल्प करता है आपको सर्किट को सिंपल बनाने में, बाकी सीरीज पैरेलल तो हमारे को पता होता है, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट,
डाउट होता है तो प्लीज 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 आप मुझे बताओ। थैंक यू। हाँ बच्चों, पोटेंशियोमीटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं। दिस इज पोटेंशियोमीटर, इसके साथ ये अरेंजमेंट लगाया गया है और इसके रेस्पेक्टिव बैलेंस पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन दिस पोटेंशियोमीटर द नल पॉइंट इज शोन। ये जो एरोज दिखा रहा है ना बेटे ऐसे, ये नल पॉइंट्स है। इस अरेंजमेंट का नल पॉइंट यहां पे है, इस अरेंजमेंट का नल पॉइंट इधर है। विच आर द डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। एवरी डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ए। फाइंड ई वन बाई ई टू। फिर बोला गया पोजिशन ऑफ नल पॉइंट फॉर ई वन। ठीक है, तो हमारे पास यहां जो बोला गया है E1 E2 दोनों के लिए बैलेंस पॉइंट गिवन है। ये एक सेटअप ये है, दूसरा सेटअप ये है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस वाले सेटअप के लिए काफी दूर, थोड़ा सा दूर गया हुआ है। सो दिस लेंथ यहां से यहां तक ये हो जाएगा 3 मीटर और यहां से यहां तक ये हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक, तो हमें अभी अभी आपको बताया था कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ बैटरीज अगर होगा तो E1 कब प्लस करना है E2 के साथ और कब माइनस करना है। जब सेम वे में कनेक्टेड हो प्लस माइनस तो यहां पे तो ऐड होगा। तो आई कैन राइट E1 प्लस E2 और इसके लिए अपोजिटली कनेक्टेड है तो मैं लिखूंगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो लेंथ ज्यादा तो उसका अगर वोल्टेज ज्यादा है बैटरीज की, मतलब पोटेंशियल ज्यादा है तो लेंथ भी ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो दिस इज के इंटू 3 मीटर हो जाएगा, दिस इज के इंटू 1.2 मीटर हो जाएगा। हमें फाइंड करनी है E1 अपॉन E2। तो हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं और रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो के तो कट गया। दिस इज E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 3 अपॉन 1.2। दिस वन हम लोग यहां पर 30 अपॉन 12 लिख सकते हैं, जीरो को मैंने ऊपर ले गया। नाउ वी कैन राइट 10 3 4 3 और वी कैन से 5/2। अब हम लोग इसको रेशियो निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2E1 प्लस 2E2 5E1 माइनस ऑफ 5E2 ये हो जाएगा 7E2 इज इक्वल टू 3E1। सो E1 बाई E2 ये हो गया 7/3। तो ये रेशियो हमारा आ गया E1 बाई E2 7/3। दूसरा पार्ट बोला गया पोजिशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1। तो मुझे जो मिला है यहां से मैं E2 निकाल लेता हूं, E2 आ गया 3E1/7 और यहां पे किसी एक में भी मैं डाल सकता हूं E2 की जगह 3E1/7। E2 की जगह डालना है तो मैं लिख सकता हूं E1 प्लस 3E1/7 इज इक्वल टू के इंटू 3। ये हो जाएगा 10E1/7 के इंटू 3। सो E1 इज के इंटू 2.1। सो नल पॉइंट जो आया है के इंटू एल आया है तो एल बैलेंसिंग लेंथ 2.1 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस फॉर्मेट में ई ए होगा के होगा तो ऑब्वियसली के का जो कोफिशियंट है वो लेंथ होगा, वो बैलेंसिंग लेंथ होगा। दिस इज 2.1 मीटर। इसको नोट कर लो बच्चों, कोई भी आपको डाउट होता है बिंदास मेरे पास आ सकते हो, बिंदास मुझे बता सकते हो। सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट। हेलो प्यारे बच्चों, ये भी जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2015-16 में आ चुका है। मीटर ब्रिज से अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन, तो हमें इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना है और ये काफी इजी टू स्कोर होता है क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है ये मीटर ब्रिज। इन द मीटर ब्रिज विथ आर एंड एस इन द गैप्स, इसको ये गैप्स बोल रहा है, द नल पॉइंट
इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. तो जो भी डिस्टेंस मेजर होता है वो ए से ही होता है, जीरो का मार्क ए के पास है. इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ आर और एस था. तो बोल रहा है कि नल पॉइंट था हमारे पास 40 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये एप्लीकेशन है. तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर अपॉन एस इज इक्वल टू, ये 40 होगा सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये पूरा 100 का ही होता है. नाम ये मीटर ब्रिज, 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर. तो क्या लिखेंगे, आर अपॉन एस इज इक्वल टू 40/60, ऐसे लिख सकते हैं. इसको और सिंपल बना लेते हैं, ये हो जाएगा 2/3, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 2s/3. अब ये 30 ओम भी आ गया पैडल में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी होगी, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा 30s/30+s. नाउ आर अपॉन दिस, अब ये बैलेंसिंग है तो गड़बड़ हो गया, पहले बेचारा एस तो अकेला था, तो हमारे पास ये सिचुएशन था, लेकिन अब एस तो अकेला रहा नहीं, एस के पैडल में 30 ओम आ गया, तो अब ये बैलेंस लेंथ कुछ और हो जाएगा जो हमें नहीं पता. मान लेते हैं इधर एल हो जाएगा, तो 100-L सेंटीमीटर हो जाएगा. सो आर अपॉन नया वाला एस, ये नया एस है क्योंकि 30 वाला आ चुका है, इज इक्वल टू एल अपॉन 100-L. आर की जगह मैं लिख सकता हूं 2s/3, ये हो जाएगा 2s/3, 30s/30+s, एल अपॉन 100-L आ गया बच्चों. तो हमारे पास एस और एस तो कट जाएगा ना, 2 और 15 से कट जाएगा, 30+s/45, एल अपॉन 100-L. यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एल फाइंड कर सकते हैं, तो यहां पर एस भी रह गया और एल भी रह गया है. 50 सेंटीमीटर गिवन है एल, तो एल में 50 डाल दूंगा, तो ये भी 50-51 हो गया. ये दैट मीन्स 30+s इज इक्वल टू 45, तो s हो जाएगा मेरे पास 15 ओम. s 15 में यहां डालूंगा तो r आ जाएगा 10 ओम, है ना बच्चों, इजी. तो इसको तो लॉलीपॉप को तो खाना ही खाना है, इसको मिस नहीं करना है, बिल्कुल इसको खा जाना है, पचा जाना है. और भी आप, और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, प्लीज मेक ए नोट. हेलो बच्चों, हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल, शायद आपको याद हो, जिसमें कि 4 और 5 रेजिस्टेंस होते थे, 2 इस कॉर्नर में 2 इस कॉर्नर में, बीच में गैल्वेनोमीटर होता था, तो बैलेंसिंग के लिए हम लोगों ने काम किया था. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज जाकर दोबारा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. तो ये क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, हमारे को इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड लगता है. इसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सीरीज में है, कौन पैटर्न में, मुश्किल होता है. लेकिन घबराना नहीं है, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करना है, हमारे को रेशियो चेक करना है. 1/2 करेंगे और इधर क्या करेंगे, 2/4 करेंगे. तो 1/2 इधर भी आ गया, 1/2 रेशियो लेने पे, जब ये रेशियो सेटिस्फाइड हो, आउटर टू रेजिस्टेंस, आउटर टू इनका रेशियो अगर एक बिल्कुल एक जैसा हो, तो हम बीच वाले को रेजिस्टेंस को यहां से हटा सकते हैं. तो हमारे को बोला गया है फाइंड द करंट फ्रॉम बैटरी. तो दोनों रेशियो सेटिस्फाइड हो गए, तो बीच वाले में करंट जाएगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि बीच वाले रेशियो का कोई काम नहीं है, इसको हटा दो आप लोग, इसका कोई काम नहीं है. अब देखो 1 और 2 सीरीज में कनेक्टेड दिख रहा है साफ साफ, 2 और 4 सीरीज में कनेक्टेड है साफ साफ दिख रहा है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6. दिस 3 एंड 6, इसका नया सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. This is 3 ohm,
दिस इज 6 ओम एंड दिस इज योर 4 वोल्ट। अब ये दोनों पैरेलल में है तो 6 और 3 का पैरेलल निकालेंगे तो 1/3 + 1/6 = 1/R, वो आएगा 2 ओम। दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 वोल्ट। तो यहां से जो करंट जाएगा वो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू R इंटू आर, सो करंट हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, आ गया करंट 2 एम्पियर। इसको नोट करो बच्चा लोग प्लीज। हेलो बच्चों, यहां क्वेश्चन पूछा गया है पावर से रिलेटेड, तो हो सकता है आपको फॉर्मूला याद नहीं हो, तो मैंने कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं पावर के क्वेश्चंस को करने के पहले। तो पावर का फॉर्मूला बेटे होता है वोल्टेज इनटू आई। ठीक है, अगर मुझे बैटरी का वोल्टेज पता है, करंट कितना बैटरी दे रहा है, तो मैं पावर ऑफ बैटरी भी निकाल सकता हूं। अगर किसी रेजिस्टेंस के पास मुझे वोल्टेज पता है, वो कितना वोल्टेज है उसके पास, कितना करंट है, तो भी मैं निकाल सकता हूं। और ओम्स लॉ तो बेटे आपको याद रखना ही रखना है, तो मैं वी की जगह लिख सकता हूं आई आर, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब आप बोलोगे सर मैं आई की जगह लिखने वाला हूं वी बाय आर, तो एक और फॉर्मूला मिल गया वी स्क्वायर बाय आर। तो डिपेंड करता है कि हमें किस सिचुएशन में कौन सी चीजें लगानी है। अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सीरीज में करंट सेम होता है, यानी कि पावर डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। पैरेलल की बात करें तो वहां पर वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है, दैट मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली रिलेटेड, है ना। तो डिपेंड करता है कौन सा सिचुएशन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स पी एंड क्यू हैव देयर रेजिस्टेंसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। देखो यार रेशियो दिया हुआ है, आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, तो फॉर्मूला आपके सामने है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेशन इन दिस बल्ब्स। सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं ऑब्वियसली ये वाला लगाने वाला हूं, तो मैं क्या लिखूंगा P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वन, P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टू, इनको डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा P1 बाय P2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। ठीक है, रेशियो तो R1 R2 दिया, ये 1:2, दैट इज इक्वल टू 1/2, सो पावर का रेशियो भी आ गया 1/2, सो सिंपल, है ना बच्चों। अगर आपको ये पसंद आया हो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो, तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।